IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस। आज का टॉपिक ये है हमारा वीडियो का। इसमें हम कुछ नियम देखेंगे जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा इन कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर करने के लिए। तो देखिए, पहला रूल या पहला स्टेप क्या कहता है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन हमने आइडेंटिफाई की है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे करके नंबरिंग करना, ये तय करना कि नंबरिंग दाएं से होगी या नंबरिंग बाएं से होगी। उसके बाद तीसरा स्टेप या तीसरा नियम आप कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इन तीन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। नंबर एक प्रेफिक्स, वहाँ पर प्रेफिक्स कहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूएंट से आएगा। दूसरा वर्ड रूट, वर्ड रूट कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि वर्ड रूट क्या लेंगे हम। तीसरा सफिक्स, सफिक्स हम कहाँ से पता करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन। सपोज हमने कोई कंपाउंड लिया है, ये और अब हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि सीधी सादी चेन है जो कि लॉन्गेस्ट चेन है, और इसी में हम देखेंगे अब कि अब नंबरिंग हम दूसरे स्टेप क्या है हमारा, नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो नंबरिंग की बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है हमारा, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन कंपाउंड के अंदर एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है, तो इसको हम मिनिमम नंबर देना चाहते हैं इस लार्जेस्ट चेन के अंदर। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करें तो 3 4, तो यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर मिला 1। तो ये बेस्ट वे है नंबरिंग करने का। अदरवाइज दूसरा वे क्या हो सकता था, ये हो सकता था कि हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में जबकि हम राइट से शुरू कर रहे हैं, तो राइट से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे हमें 4 पोजिशन मिल रही है, तो ये एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। हम लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे, इसी को एक्सेप्ट करेंगे। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में देख लेते हैं कि प्रेफिक्स है क्या हमारे पास, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, नहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, तो नहीं लगाया है, तो प्रेफिक्स नहीं है हमारे पास, कोई प्रेफिक्स कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट देखिए क्या होता है, यहाँ पे वर्ड रूट कहाँ से मिलेगा हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ये डिसाइड करेगा कि वर्ड रूट क्या होगा हमारे पास। तो 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड रूट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, BUT। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सफिक्स की। तो सफिक्स हमें कहाँ से मिलेगा, सफिक्स हमें मिलेगा फंक्शनल ग्रुप से ही मिलेगा, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ क्या है, ये है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ENE। अब इन सबको मिला देते हैं और अपना नाम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेफिक्स है नहीं हमारे पास, तो इसके लिए कुछ नहीं रखेंगे। वर्ड रूट हमारे पास क्या है, ब्यूट। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हम दिखा देते हैं, क्या है पोजीशन, 1, तो ब्यूट 1, और सफिक्स क्या है, इन। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ब्यूटीन भी कहते हैं। तो ये नाम बिल्कुल सही है और शॉर्ट नेम इसका ये भी सही है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड लिया हमने, इसका नॉमेनक्लेचर हमने करना है, IUPAC नाम रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इसके इसको हम पहचानते हैं, सीधी साधी चेन है, तो चेन को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी नंबरिंग पे पहुंच जाते हैं, यानी कि स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 पे हम अगर इधर से स्टार्ट करते हैं राइट से, तो 1, ये हो गई 2 पोजिशन, ये 3, ये 4 एंड देन 5। तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ हमें क्या नंबर मिला, यहाँ मिला हमें 2 नंबर फंक्शनल ग्रुप को। और अगर हम इसको लेफ्ट से करते हैं नंबरिंग, तब हमें क्या नंबर मिलता है फंक्शनल ग्रुप को, इस बार फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिला है 3, और यहाँ पहले क्या मिला था, 2। जब हम राइट से शुरू कर रहे थे तो हमें मिला था 2, जब हमने लेफ्ट से शुरू किया तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिला 3। इसका मतलब हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, तीसरे नियम की तरफ। तीसरे नियम क्या कहता है कि प्रीफिक्स पहचान लें हम, इसमें कुछ है क्या, प्रीफिक्स इसमें कुछ है
प्रीफिक्स कहाँ से आता है? सब्स्टिट्यूएंट से आता है। सब्स्टिट्यूएंट कुछ है? नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं वर्ड रूट पे, तो वर्ड रूट तय करते हैं। वर्ड रूट कहाँ से आएगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेंगे कि वर्ड रूट क्या होगी। तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? फाइव। फाइव का मतलब वर्ड रूट क्या होगी? पेंट, PENT, पेंट। तीसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हमने क्या करना है? सफिक्स तय करना है। सफिक्स कहाँ से पता चलेगा हमें? फंक्शनल ग्रुप से पता चलेगा। फंक्शनल ग्रुप कहाँ से, कहाँ पे है, क्या है फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? ईन, ENE। ठीक है, तो अब हम इसका नाम रख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन रखेंगे यहाँ पे हम, क्या पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की? दो, पेंट टू, और ये हो जाएगा ईन। ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर तीन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसमें? लॉन्गेस्ट चेन ये है, यहाँ से शुरू करेंगे, सीधी चले जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो ये नंबरिंग भी है, लेकिन क्या ये नंबरिंग सही है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिला है? टू नंबर मिला है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को। अब अगर हम राइट से नंबरिंग करें तब हमें कौन सा नंबर देना होगा फंक्शनल ग्रुप को, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप को नंबर दिया है 3, और पिछली बार जब लेफ्ट से किया था तब हमने दिया 2, तो ये वाला हम एक्सेप्ट करेंगे, ये वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें लोवेस्ट नंबर देना होता है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में हमने अपना पता करना होगा प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स हमें कहाँ पे दिख रहा है? प्रीफिक्स हमें ये दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा प्रीफिक्स है। क्या है ये? ये है मिथेन, मिथाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल, METHYL, मिथाइल। पोजीशन क्या है यहाँ पे इसकी? 4 है, तो हम लिखेंगे 4-methyl। उसके बाद हम चलेंगे वापस, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 5 है यहाँ पे, तो 5 का मतलब हो गया पेंट। फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हम रखेंगे, यानी कि वर्ड रूट में चल रहे हैं, ये पेंट हमारा वर्ड रूट है। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दिखाएंगे, क्या है? 2 है। उसके बाद हम फिर से ऐसे डैश लगाएंगे, और अब की बार हम क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स कौन तय करता है? ये भी फंक्शनल ग्रुप ही तय करेगा कि सफिक्स क्या होगा। क्या है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे? डबल बॉन्ड है, इसके लिए सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? ENE। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। अगला एग्जाम्पल, ये हमारा कोई कंपाउंड, अब इसमें हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को पहचानना है। तो हम देखते हैं यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 4 पर कार्बन एटम है। यहाँ से शुरू करें अगर और वापस नीचे की तरफ जाएं तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, और इसको हम बना लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको चेन में मान लें और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम लोवेस्ट नंबर दे चुके हैं, प्रेफरेंस दे चुके हैं। तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इधर से हम नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते, नंबरिंग हम हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इस ग्रुप को हमने फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना ही होगा। तो 1, 2, 3 और उसके बाद 4, क्लियर। अब देखिए अगर हम दूसरी साइड से नंबरिंग करते, राइट साइड से, तो इसको एक नंबर मिलता है, इसको 2 मिलता है, इस कार्बन एटम को 3 मिलता है, इसको 4 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिलता है 4 नंबर। और पहले हम जब हम लेफ्ट से शुरू कर चुके थे तब वहाँ पे क्या नंबर मिला? 1। तो हम इसको प्रेफर करेंगे, इस नंबरिंग को, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारा प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स कहाँ से आता है। हमने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। क्या सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मिथाइल। कितने नंबर पर लगा है मिथाइल? मिथाइल लगा 3 नंबर कार्बन एटम पे, तो 3-methyl कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट क्या डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेगा कि वर्ड रूट क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो हमने ब्यूट लिख दिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हम बताएंगे, तो पोजीशन क्या है? 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। अब लास्ट में हम पहुंचते हैं सफिक्स के पास। सफिक्स कौन तय करता है? फंक्शनल ग्रुप ही सफिक्स भी तय करेगा, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं YNE।
ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नाम इस कंपाउंड के लिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। इन तीन नियमों को आप एक बार फिर से देख लीजिए, इन तीनों स्टेप्स को ही हमने बार बार इसी सीक्वेंस में फॉलो करना होगा। अब ये देखिए, इस कंपाउंड में दिक्कत क्या है कि एक के बदले दो सब्स्टिट्यूएंट हैं हमारे पास और एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो सबसे पहले तो वही करना है हमने कि लॉन्गेस्ट चेन पहचाननी है, कौन सी चेन लॉन्गेस्ट होगी यहाँ पे, यानी कि कार्बन एटम्स किस में ज़्यादा होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी वाली चेन आप पकड़ लेंगे और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हम फिर से नंबरिंग करते हैं और अपने फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर पे रखने की कोशिश करते हैं। तो वन इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, थ्री इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको, सिक्स्थ इसको, अगर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं तो क्या मिला हमारे फंक्शनल ग्रुप को नंबर? फोर मिला। अगर हमने राइट से शुरू किया होता तो क्या मिलता? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो राइट से करने पे क्या मिला? थ्री मिला। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? राइट वाले को प्रेफर करेंगे। अब शुरू करते हैं इसका नाम लिखना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रेफिक्स चाहिए। प्रेफिक्स हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे ट्विस्ट है प्रेफिक्स के साथ। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे दो प्रेफिक्स मिल गए हमें, एक ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया। एक इथाइल मिलेगा और एक मिथाइल। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इथाइल रखेंगे क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकली रखना होता है। ई पहले आता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एम के मुकाबले। ये क्या है? मिथाइल एम से शुरू होता है। ये क्या है? इथाइल ई से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले रखेंगे इथाइल, ई टी एच वाई एल, इथाइल। नंबर क्या है इसका? नंबर है इसका फोर। फोर इथाइल कर देंगे। उसके बाद मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल को नंबर हमने क्या दिया है? वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव दिया मिथाइल को, तो फाइव मिथाइल लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे डिपेंड करता है। तो सिक्स आइटम है यहाँ पे, तो हम लेंगे हेक्स। उसके बाद हम पोजिशन बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन क्या है। तीन है तो हम यहाँ तीन लिख देते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने क्या लिखना होता है? सफिक्स। और सफिक्स कहाँ से आता है? सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? ई एन ई। तो ई एन ई हमने लगा दिया और इस तरह से हमारा ये आईयूपीएसी नेम हो गया इस कंपाउंड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी नहीं बड़ी मिस्टेक हुई है। देखिए क्या हुई है यहाँ पे, जो चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे आप इधर से नंबरिंग करो, दोनों तरफ से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर तीन ही मिल रहा है। जैसे हमने राइट से किया तो इसको तीन मिला, और इधर से अगर हम करेंगे तब भी हमें तीन नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। लेकिन अब अगर बात करें हम सब्स्टिट्यूएंट की, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम इधर से करते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है दो नंबर, और अगर हम इधर से चलते हैं तो इधर को इसको पहला वो मिल रहा है और ये मिल रहा है तीसरा नंबर। तीन नंबर पे हमारा इथाइल ग्रुप है, तो हम मिथाइल ग्रुप को दो नंबर यानी कि लेफ्ट टू राइट हम एक्सेप्ट करेंगे नंबरिंग इसकी। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? फोर इथाइल ही रहेगा, ठीक है। जब हम इधर से चल रहे हैं तो इथाइल चार नंबर पे है, चूँकि मिथाइल को यहाँ लीस्ट नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे टू मिथाइल हो जाएगा। हेक्स एज इट इज रहेगा और थ्री भी एज इट इज रहेगा और इन भी एज इट इज रहेगा। तो सही नाम होगा इसका फोर इथाइल टू मिथाइल हेक्स थ्री इन।